हमारे मेन होली है। ऐसे चीजों को सीख सकते हैं, या तो वो हमारे जीवन पर बीत रही हो, हमारे ऊपर बीत रहे हो तो हम अपने अनुभव से सीखें, या तो हम किसी के दूसरे के अनुभव से सीखें। अगर हम किसी दूसरे के अनुभव से सीखते हैं तो वो हम कम समय में उतनी बातें जान सकते हैं जितना कि हम अपने खुद के अनुभव से सीखने का प्रयास करें। तो वो चीजें जो आपके अनुभव से हमें मिल सकती हैं, आपका जो पूरा जीवन रहा है, सबकी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र रहे हैं, अलग अलग संघर्ष रहा है, बदलता दौर देखा होगा, वो चीज़ें हम अपने युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को सिखा सकते हैं, उसे एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्योंकि जो आदमी अनुभव से जिया हुआ है वो जो चीज़ें बता सकता है वो किताबें भी नहीं बता सकती। काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र ऐसा था जिसमें शायद ये पहला कदम है कि इस वर्क को शायद इसके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है। नमस्कार। कि इस जगह हम सब जुटे हैं, मिले हैं, एक समागम है, हर उम्र के लोग मुझे दिख रहे हैं सामने से, चांदनी बिने जो यंग जनरेशन है, पीछे हमारे आपके जैसे जो मिडिल जनरेशन है, और बीच में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं। तो मैं सर की बातों को बोलूंगी कि सिटीजन तो हम लोग सब हैं, सर सीनियर हम इसलिए लगाते हैं कि एक्चुअली आप लोग सीनियर होते हैं हमसे, उम्र में, तजुर्बे में, एहसास में, तो हम सीख सके, इसीलिए हम ये सीनियर वर्ड यूज करते हैं कि हम भूले नहीं कि हम जूनियर हैं आपसे। तो आप लोग बुजुर्ग नहीं हैं, आप लोग सीनियर हैं। हमारे सजल साहा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तेरी दोस्ती को पलकों पर सजाएंगे, तेरी दोस्ती को पलकों पर सजाएंगे, जब तक है जिंदगी साथ निभाएंगे, जब तक है जिंदगी साथ निभाएंगे, देने को तो कुछ नहीं हमारे पास, देने को तो कुछ नहीं हमारे पास, पर तेरी खुशी मांगने खुदा के पास जरूर जाएंगे। क्या बोले इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद। हमारे बीच अपने विचार, ये मुझे कल पता चला कि प्रोग्राम है और भार्गव साहब का आदेश आया कि आपको उपस्थित होना है, और कुछ भी नहीं कि किस टाइप का प्रोग्राम है, क्या है, उनका आदेश आया कि आपको अपनी टीम के साथ आना है, क्योंकि हम लोग सारे व्यस्त थे, अपनी कुछ व्यस्तता थी, लेकिन तभी हमने सदर जी को फोन किया, प्रसाद को फोन किया कि मैं चलना भी होना। तो मैं बताऊं कि अभय वेलफेयर सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने रेवेन्यू में, और पिछले दो साल से ये नशा निवारण के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है, और उसमें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक ला रहे हैं, और ऑलरेडी इन्होंने काम दो साल पहले शुरू कर दिया था, लेकिन उसको विस्तृत रूप देने के लिए अब ये अग्रसर हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और भगवान से कामना करता हूँ कि दीर्घायु रहें, दीर्घायु प्रोग्राम भी है, और ये स्वस्थ रहें। और विशेष मैं क्या बोलूँ, होली तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन होली के मिलन के शुभ अवसर पर आपको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आगे ना बढ़ाते हुए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्त समय से निकाल के आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे पत्रकार साथी क्योंकि तुरंत बिजी थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए, और इस समय में अपना समय निकाला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
वृद्ध अपने साथियों का, और उनको ये मैं बताना चाहता हूँ आज क्योंकि ये होली मिलन का हमारा कार्यक्रम था, तो इसके अंदर हम कुछ अलग बातें ना करते हुए फिर मिलन पे ध्यान दे रहे हैं। आगे हम लोग के पास जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं का हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया या अन्य योजनाएं हो गई, उनसे कैसे लाभ हो सकते हैं, वो सारे लाभ की योजनाएं आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और लाभ से अधिक जैसे साधु सिंह जी हैं इनके पास एक कार्यालय खोलने जा रहे हैं जिनके पास आदमी रहेगा और आप लोग का रजिस्ट्रेशन फ्री करके सारी चीज़ें ये जितनी भी सेवाएं रहेंगी वो मुफ्त रहेंगी आप लोगों के लिए, बस आप लोगों की सेवा है उनकी सेवाएं लें और कैसे आप लोगों के वेलफेयर पर काम कर सकते हैं हमारा उद्देश्य वही है। आज तीनों संस्था के जनसंपर्क अधिकारियों को भी आमंत्रित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि वो लोग भी आप लोगों के ऊपर ध्यान दें कि उनकी कंपनी से जो भी रिटायर हो रहे हैं और कुछ 20-30% इसी नगर में रह जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी वो लोग कुछ ध्यान दें और कुछ आवश्यक कदम उठाए। जैसे कि मैं बात कर रहा था निमिषा मैम से भी, यशवंत जी से तो मेरी पहली बात हुई भी है और वो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट ला भी रहे हैं, उनके लिए मुझे वादा किया है कि जल्दी वो लोग ऐसे चीज़ें आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों के लिए बड़ी लाभकारी होंगी, इस कार्य होंगी, आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा।